नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करने से सब प्रथम पहले आपको भैया दोस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो बेसिकली ये जो सीज़न चल रहा है, क्वार्टर 2 का रिजल्ट का सीज़न चल रहा है। कल एक कंपनी का एक और रिजल्ट आया, तो उसके बारे में बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले तो बताना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों देखिए, आज का जो शेयर है वो GGS इन्फोटेक लिमिटेड, GGS इन्फोटेक लिमिटेड के बारे में बात करने से पहले प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने कंपनी की वेबसाइट ओपन कर रखी है GGS इन्फोटेक लिमिटेड की। तो बेसिकली कंपनी का वर्किंग क्या है, कंपनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देती है कंपनी। तो कंपनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन किस किस में देती है, अप्लाइड इंटेलिजेंस यानी कि आपका एंड्रॉयड ऐप्स जो होती है उसका सिक्योरिटी, यानी कि जो हमारी सिक्योरिटी होती है साइबर सिक्योरिटी के लिए, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन मैनेज सर्विस, ठीक है, ऑटोमेशन, क्लाउड बेस्ड जितनी सर्विस होती है उनका एप्लीकेशन सर्विस, मैंने बताया था ना आपको ऐप बनाना, प्रोफेशनल सर्विस। तो बेसिकली कंपनी क्या करती है, डिज़ाइन करती है सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके देती है कंपनी, ठीक है ना। तो कंपनी का वर्किंग ये है, कंपनी सॉल्यूशन प्रोवाइड है, कंसल्टेंसी करती है कंपनी, सॉल्यूशन देती है। तो बेसिकली आईटी सेक्टर की कंपनी है। तो आपको पता है कि कोविड के बाद से तो आईटी सेक्टर इतना तेज़ी से बूम हुआ कि, और डेफिनेटली क्योंकि आपको पता है कि ऑल ऑफ द सारी थिंग हमारी ऑनलाइन हो चुकी है, तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर हमारे यूज़ में आता है डेली बेसिस में, या किसी कंपनी के वर्किंग में किसी न किसी चीज़ को साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ चुकी है, तो कंपनी उस चीज़ का सॉल्यूशन देती है। तो कंपनी का वर्किंग आपको समझ आ चुका है, ठीक है, कंपनी किस सेक्टर में वर्किंग ये आपको समझ आ चुका है। अब समझते हैं कंपनी के अंदर चल क्या रहा है, कंपनी के शेयर के अंदर हो क्या रहा है, ये समझते हैं। तो देखिए, मैंने ये गूगल पे GGS इन्फोटेक टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में खोल लिया मैंने, ठीक है। तो GGS इन्फोटेक के बारे में, GSS इन्फोटेक के बारे में बात करते हैं, GGS इन्फोटेक लिमिटेड के बारे में। तो ये देखिए, ये जब मुहूर्त ट्रेडिंग ओपन हुआ था उस टाइम पर 3% की तेजी के साथ बंद हुआ है, और उसी दिन इसने अपना 52 हाई भी तोड़ा था, क्योंकि बाकी लोगों को भी अनुमान था कि इन्फोटेक का यानी सॉफ्टवेयर कंपनियां जितनी भी होती है यानी आईटी सेक्टर की कंपनियों की डिमांड है, और इनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं क्वार्टर वाइज, तो डेफिनेटली इसमें अप ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। और जो मैं टारगेट दे रहा हूँ आपको 15-20 दिन की दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि 3 डिजिट में जाने को तैयार बैठा है शेयर, अब इसके अंदर अब ट्रेंडिंग आना बाकी है, इसके अंदर मूवमेंट अब कल मंडे जब भी मार्केट ओपन होगी इसके अंदर मूव अच्छे आएंगे देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ओपन होता है 92.25 पे, हाई मारता 93.40 पे, लो मारता 90 का, इसका 52 हाई उसने 4 नवंबर को अपना 52 हाई तोड़ा था। 52 हाई है 93.40 का, 52 लो है 33.80 का। यह ओवरव्यू है शेयर के बारे में। अब और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में, तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये देखिए 73% पब्लिक के पास है, DISS के पास 4% है, और प्रमोटर के पास है 19%, प्रमोटर के पास 19% है, और अदर के पास है 2%, और FIs के पास है इसमें 0.27%। अब देखिए इसमें एक चीज़ और क्या हुई है, सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट के बाद से इसमें प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, देखिए 18.55% से बढ़ा के 19.63% कर दिए, यानी कि इस कंपनी के जो प्रमोटर उनको पता है कि भैया इसके अंदर पोटेंशियल है कंपनी की ग्रोथ होगी, इसलिए उन्होंने अपनी, देखिए मार्च क्वार्टर के अंदर उनकी थी 17 पॉइंट, यानी 2 क्वार्टर से कंपनी के प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए आप। तो पहले थी 17.95 थी, वो बढ़ के जून क्वार्टर में आई 18.55, और अब सितंबर क्वार्टर के अंदर आई है 19.63%, यानी कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग हर क्वार्टर वाइज अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो प्रमोटर का विश्वास है कंपनी ग्रो करेगी, किसी भी कंपनी के प्रमोटर इसलिए अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं, उन्हें पता होता है क्योंकि इसके अंदर इस कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ है, कंपनी के अंदर ग्रोथ होगी जब भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो एक पॉजिटिव साइन तो हमें मिल गया कि कंपनी की डेफिनेटली ग्रोथ है फ्यूचर के अंदर, तो ये प्रमोटर अपनी होल्डिंग जब भी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं इसके बारे में, देखिए टिकट टाइप की साइट ओपन कर लिया, ज़्यादा कुछ तो टिकट टाइप की साइट पर होता नहीं है, बस मोटा मोटा ओवरव्यू समझने के लिए हम टिकट टाइप साइट ओपन करते हैं। सॉफ्टवेयर सर्विस करती है कंपनी, ठीक है ना। तो कंपनी के बारे में ज़्यादा तो टिकट टाइप पर मिलता नहीं है हम लोगों को, बाकी हम थोड़ा डीपली जाते हैं। अब देखिए, मैं इसका फाइनेंशियली थोड़ा सा ओवरव्यू समझते हैं, इसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया जो कल, उसके बारे में और समझते हैं। तो मार्केट कैप है इसका 156 करोड़ रुपये का, स्टॉक PE चल रहा है 97.7% का, ROC -0.90% का है, ROE -2.65 का है, और बुक वैल्यू 80 रुपये की है, 10 फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है। अब इसके अंदर और क्या है, स्टॉक ट्रेडिंग इन 1.15 times ऑफ बुक वैल्यू, ये तो सही बात है कंपनी कर रही है। अब इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है, कंपनी ने क्या क्या दिया है, इसने जो अपने
पुअर सेल ग्रोथ दी है इसने लास्ट 5 ईयर में, -11.67%। प्रमोटर होल्डिंग इज़ लो है, ये तो दिख ही रहा है आपको, लो है प्रमोटर होल्डिंग। कंपनी ने इक्विटी ऑफ रिटर्न कम दिया अभी तक, 3 साल में 3.57% दिया है। अदर इनकम इनकी कम है अभी, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो आप देखिए इसके अंदर हुआ क्या है, ये देखिए सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आया, तो इस क्वार्टर का रिजल्ट आया, देखिए इसके अंदर इसने सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आया इसके अंदर देखिए इनों की सेल हुई है 31 करोड़ रुपये की, ये देखिए। यानी कि आप देख सकते हैं इनका जून क्वार्टर, जून 2020 के बाद से अब तक हाईएस्ट सेल मारी इन्होंने 31 करोड़ रुपए की, ठीक है। इनको प्रॉफिट हुआ है 2 करोड़ रुपए का, तो जिसके चलते इनका ईपीएस भी 0.84 हुआ है, वो भी बड़ा है। अब ईयर क्वार्टर क्वार्टर वाइज चेक करेंगे तो लास्ट क्वार्टर जून 2021 के अंदर इनकी 29 करोड़ थी और प्रॉफिट था 1.34 करोड़ का, ठीक है, वो बढ़ के हुआ 2 करोड़। तो ये भी प्रॉफिट भी और सेल भी दोनों में ग्रोथ आई है, ठीक है। क्वार्टर क्वार्टर वाइज देखेंगे तो ईपीएस इनका था 0.77, वो बढ़ के हुआ 0.84। तो क्वार्टर क्वार्टर वाइज भी इनके जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में ग्रोथ देखने को मिली है। तो एक तो पॉजिटिव, एक तो इंडिकेशन ये है कि भाई क्वार्टर क्वार्टर वाइज रिजल्ट अच्छा दिया। अब समझते ईयर ईयर वाइज भी अच्छा दिया है कि नहीं दिया। अब देखिए सितंबर 2020 के अंदर इनकी सेल थी 29 करोड़ रुपये की, ठीक है, और इनकी जो प्रॉफिट आया था इनको -1.25, यानी कि 1.25 लाख का नुकसान हुआ था इन्हें, ठीक है, माइनस में दिखाया था इन्होंने। और इनका ईपीएस डाउन गया था -1.15, ये इनका ईपीएस भी डाउन गया था। इनकी सेल भी डाउन, सेल सही थी और सेल तो बढ़ के आई थी जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर, बट इनका प्रॉफिट जो हुआ था माइनस में चला गया था, ठीक है, और इनका ईपीएस भी माइनस में चला गया था। तो ये देखने वाली चीज़ होती है। आप देखिए यहाँ पे बढ़ के, यानी ये 100% पॉजिटिव यानी 100% प्लस में रिजल्ट दिया इन्होंने। तो देखिए सितंबर 2020 के अंदर -1.25 था, वो बढ़ के आया 2.2 करोड़ का, ठीक है, ये प्रॉफिट हुआ है माइनस से, कंपनी माइनस से लेके प्रॉफिट में आई ईयर ईयर वाई भी, और ईपीएस भी माइनस से प्लस में आया ईयर ईयर वाई। तो ये प्रॉफिट मेकिंग हुई है। क्वार्टर क्वार्टर वाई भी कंपनी ने रिजल्ट अच्छा दिया, ईयर ईयर वाई भी कंपनी ने रिजल्ट अच्छा दिया है। तो रिजल्ट का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा आपको मंडे को, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बाकी क्वार्टर क्वार्टर वाला रिजल्ट अच्छा दिया कंपनी ने, तो ये साइन है कि कंपनी अच्छा रिजल्ट दिया, कंपनी का ईपीएस भी प्लस में आया है, क्वार्टर क्वार्टर वाइज ईयर ईयर वाइज भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। तो कंपनी ग्रोथ भी, कंपनी की सेल भी बढ़ी है, ठीक है। आपको दिखा दिया मैंने छः क्वार्टर रिजल्ट के बाद अब कंपनी का 31 करोड़ की सेल हुई है, सेल में भी ग्रोथ आई है उसकी, ठीक है। तो और ये चीज़ समझने वाली, तो किसी कंपनी की ग्रोथ जब ही होगी जब उसके अंदर सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो एक्सपेंस, और जब प्रॉफिट बढ़ेगा और इसके ईपीएस में नेगेटिव से पॉजिटिव में आएगा ईपीएस, तो जब उसमें ग्रोथ दिखती है, क्योंकि हमारा जो मेन फंडा होता है वो ईपीएस पे ही होता है, अर्निंग पर शेयर पे ही होता है। तो हमारा अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है इसके अंदर। तो दिस क्वार्टर इन्होंने कुछ और भी इम्पैक्ट बदले हैं, ये समझते हैं इसके बारे में। अब देखिए ये थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट और करी कंपनी ने अपने क्वार्टर वाई टू के रिजल्ट के अंदर। ये देखिए इन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अलॉट किया है। तो डायरेक्टर मिस्टर चैतन्य चाला, ठीक है, उन्होंने 5 अक्टूबर को और 5 साल के लिए इनको अपॉइंटेड किया है। तो बाकी इनके बारे में हिस्ट्री दे रखी है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं इनके बारे में क्या है। ये एमबीबीएस की डिग्री ले रखी है इन्होंने, ये क्या कि इनके बारे में, तो इन्हों के बारे में सारी डिटेल यहाँ दे रखी है, तो आप देख सकते हैं। बाकी आप खुद से सर्च कर लिए। बाकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन्होंने अलॉट किया है चैतन्य चाला को, उन्होंने 5 साल के अलॉट किया इन्होंने। तो ये कंपनी ने एक एक्शन लिया है क्वार्टर क्वार्टर टू के रिजल्ट के अंदर, एक ये भी है। अब इनके बारे में थोड़ा आपको डीपली बाद में समझाऊंगा। तो अब समझते हैं इसका चार्ट के अंदर क्या चल रहा है। ये देखिए मैंने इसका डेली चार्ट ओपन कर रखा है, डेली चार्ट के अंदर देखिए इसने, ये देखिए ये जो करेक्शन होकर फिर से ये अप ट्रेंडिंग तरफ आ जा रहा है। अब इसमें जो मूव्स दिख रहे हैं वो 15 से 20 दिन में सारे मूव्स आपको जो टारगेट दूंगा सारे अचीव होंगे, क्योंकि देखिए इसने अपना 52 इस नेकलाइन को तोड़ के अप ट्रेंडिंग की तरफ बैठ चुका है। ये देखिए इसमें करेक्शन होते करेक्शन हो चुकी है, अप मूव्स की तरफ हो चुका है इसका। ये देखिए एवरेज मूव को क्रॉस मूव करके चला गया ये, यानी 4 तारीख को इसने एवरेज मूव को क्रॉस करा था। ये 21 डेज 200 दिन 100 दिन 150 दिन तो सारी अप मूव्स की तरफ है। RSI भी अप ट्रेंडिंग की तरफ है, MACD भी अप ट्रेंडिंग की तरफ है। तो इसमें जो मेरा स्टॉप लॉस रखना, हमारे को रखना है वो 82 रुपये का स्टॉप लॉस रखना आपको 82 का, क्योंकि देखिए 52 हाई पे ना थोड़ा क्रिटिकल भी हो जाता है। 52 हाई पर थोड़ा अप मूव्स भी आता है, डाउनफॉल भी आता है, क्योंकि लोग अपने प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं, और क्योंकि कोई लोग एक साल से या छः महीने से अप होल्डिंग रख के चलता, तो उनको अप मूव मिलता है तो डेफिनेटली वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं। तो घबराने की बात नहीं, कंपनी में अच्छा रिजल्ट आया, कंपनी का चार्ट पे भी ब्रेकआउट दिख रहा है, कंपनी के अंदर और भी ब्रेकिंग
ब्रेकआउट टूटने को तैयार बैठे हैं, तो अब ये 3 डिजिट में जाने को तैयार है, क्योंकि इस टाइम पे शेयर ये अपने 2 साल के अप्स पे ट्रेड कर रहा है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको वीकली चार्ट के अंदर किस 2 साल के अप पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे ये। तो हमें क्या करना है, पहला टारगेट आएगा मेरा 100 रुपये का, यहाँ से पहला टारगेट मेरा 100 रुपये का रहेगा, दूसरा टारगेट 105 का, तीसरा टारगेट 110 रुपये का। मैं आपको समझाता हूँ क्यों 110 तक के टारगेट मेरे को दिख रहे हैं इसके अंदर, अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। बाकी देखिए इसका यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो गया है, ये क्रॉस मूव तोड़ चुका है, ये देखिए यहाँ पे ये शूटर कैंडल बनी है, यहाँ पे शूटर कैंडल के बाद इसमें तेजी देखने को मिलेगी आपको मंडे के सेशन में, इसका तेजी मिलेगी आपको। तो 100 रुपये का टारगेट मेरे को लगता है मंडे को हिट ही हो जाएगा इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर जो भी करेक्शन के बाद ये अप ट्रेंडिंग की तरफ आया है, यहाँ पे करेक्शन खत्म हो चुकी थी, तो हमें ये इस कैंडल का ही स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस 82 का रखना है। तो 82 के स्टॉप लॉस के साथ ऐसे बाय करिए आप, पहला टारगेट 100 रुपये का, दूसरा टारगेट 105 का, तीसरा टारगेट 110 रुपये का। ये देखिए हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है यहाँ पे, ठीक है, 3 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को भी। तो ये देखिए इस पर RSI क्रॉस मूव हो चुका है, इसका RSI MACD RSI दोनों अप ट्रेंडिंग की तरफ है। अब इसमें और समझाता हूँ आपको मैं, ये थोड़ा मैं इसका वीकली चार्ट ओपन कर लिया है, ये वीकली चार्ट ओपन हो रहा है। देखिए वीकली चार्ट पे भी बुलिश कैंडल ट्रेड हुई है, यहाँ पे RSI MACD दोनों अप ट्रेंडिंग की तरफ है। अब थोड़ा सा और थोड़ा क्लोज करके समझाता हूँ क्यों 2 साल के, देखिए 2 ईयर्स के हाई पे 17 जून 2019 को ये इस लेवल पे था, इसके बाद से अब ट्रेंडिंग आ चुकी है इसके अंदर, 2 साल के हाई पे ये अपने, और ये देखिए इस कैंडल पे सपोर्ट ले रहा है ये। अब आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं किस कैंडल पे सपोर्ट ले रहा है ये देखिए इस कैंडलों पे सपोर्ट ले रहा है ये। जैसे ही ये कैंडल तोड़ेगा तो ये कैंडल जो बनी है ये कैंडल 110 तक की है, तो जब भी मैंने आपको 110 तक के लेवल बताया आपको, और फिर इसके बाद इस पर कैंडल पर सपोर्ट लेगा तो ये कैंडल 125 तक की है। तो ये तीनों टारगेट जो मैंने दिया आपको, तीनों टारगेट हिट होंगे, पहला टारगेट 100 रुपये का, दूसरा टारगेट 105 का, तीसरा टारगेट 110 रुपये का, तीनों टारगेट बाय करिए, पैसे साथ बने रहिए। आई होप ये वीडियो आपकी यूजफुल है, इस वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।